हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एंड इट्स लिमिटेशन। तो जैसे कि हमने पिछली थ्योरी में देखा कि रदरफोर्ड ने हमें एक्सपेरिमेंट्स जो उनके एसोसिएट साइंटिस्ट ने किए थे, जिसे हम अल्फा स्कैटरिंग कहते हैं, राइट, उस एक्सपेरिमेंट पर से उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया और उस मॉडल में कुछ खामियां थी। क्यों उस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करने में आया, क्या उसकी लिमिटेशन थी, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये रदरफोर्ड के मॉडल हैं, उनकी बातें कि उनके मॉडल में क्या चीज थी। तो देखिए, सबसे पहले एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव कोर विथ पॉजिटिव चार्ज इन इट एंड दिस कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी एक ऐसा एटम उन्होंने बताया जिसके जिसके बीच में, राइट, जिसके बीच में क्या है, ये एक एटम हम ले रहे हैं, रदरफोर्ड ने बताया उस एटम के बीचों बीच क्या है, एक कोर है, राइट, और उस कोर में क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स भरे पड़े हैं, राइट। ऐसा एटम रदरफोर्ड ने हमें बताया है। इस जो कोर है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस कोर में पूरे एटम का 99.9% मास यहां पर होता है, क्लियर। चलिए, ये पहला पॉइंट हमें पता चल रहा है। दूसरा देखिए, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10^-15 meters एंड इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। आप देख सकते हैं न्यूक्लियस की जो साइज है वो 10^-15 meters है, जबकि एटम की साइज कितनी है, तो 10^-10। मतलब आप समझ सकते हो एक एटम कैसी जगह है, एक एटम एक खाली जगह है जिसमें बहुत सारा स्पेस भरा है और जिसके सेंटर पर न्यूक्लियस है जहां पर मास एम्बेडेड है, क्लियर, और बाकी की सारी जगह खाली है, वैक्यूम है। समझ में आया, इतना डिफरेंस है इसके एटम साइज और न्यूक्लियर साइज में, क्लियर। चलिए, थर्ड पॉइंट देखिए, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल होते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस यानी के प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर अमाउंट ऑफ माइनस यानी के इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी एटम का नेट चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, क्लियर। इसके लिए क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड में जो ऑर्बिट होती है उस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है। यानी जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये मान लीजिए ऑर्बिट है, तो इस इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में मूव करेगा और वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इस एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए, क्लियर। तो जितने इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे टू मेक इट नेट चार्ज जीरो, क्लियर। चलिए, लास्ट पॉइंट देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेरियस ऑर्बिट्स जस्ट एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस रिवॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, राइट। तो किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, बहुत सारी ऑर्बिट्स मौजूद होंगी, बहुत सारी ऑर्बिट्स मौजूद होंगी, क्लियर। अब इन ऑर्बिट्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अंदर, ये क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, ड्यू टू, देखो इस रेवोल्यूशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये गोल चक्कर लगाने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से गोल गोल घूमते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड जिस जगह ये गोल गोल घूम रहे होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्बिट, राइट, क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। समझ में आई बात। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल, एटॉमिक मॉडल, जिसे हम सिंपली क्या कहेंगे, एटम, क्या कहेंगे, एटम। चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशन की। देखिए इसमें क्या लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सबसे पहला लिमिटेशन है, रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। देखिए,
इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि रदरफोर्ड मॉडल जो है स्टेबिलिटी, एटम स्टेबल नहीं है ऐसा बता नहीं सकता। देखिए एक सबसे पहली बात, हम ये बात जानते हैं कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो एक्सेलरेट होने पर इलेक्ट्रॉन में से क्या निकलना चाहिए? रेडिएशन निकलना चाहिए। जैसे कि हम ऑलरेडी एलसी सर्किट वाले डिस्प्लेसमेंट लॉ के चैप्टर 8 में देख चुके हैं कि वहां पर हम क्या करते थे, दो प्लेट्स में पोटेंशियल बढ़ाते थे, इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट कराते थे, तो इलेक्ट्रॉन सडन एक्सेलरेट होते हैं, मतलब वहां पर क्या हो रहा था, रेडिएशन इमिट हो रहा था। तो एक बात हमें समझ में आती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के अराउंड मूव हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होना, एक्सेलरेट होना, इसका मतलब क्या होगा, उसमें से रेडिएशन इमिट होना चाहिए। जबकि रियल में किसी भी एटम में से रेडिएशन इमिट नहीं हो रहा है, यहां पर एटम जो है वो स्टेबल है। क्लियर? तो सबसे पहली बात ये हुई यहां पर। दूसरी बात, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हो रहा है कि अगर वो रेडिएशन इमिट करेगा तो रेडिएशन इमिट करने की वजह से वो हर टाइम क्या करेगा, अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करने की वजह से क्या होगा, उसका जो रेवोल्यूशन रेडियस है अराउंड द न्यूक्लियस, वो रेडियस हमेशा घटता जाएगा ईच टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इमिट्स रेडिएशन। तो रदरफोर्ड के मॉडल में रेडिएशन की कोई बात नहीं कही है, इसका मतलब वहां पर रेडिएशन इमिट हो रहा है, और उस मॉडल में रेडिएशन इमिट अगर हो रहा है तो जो ऑर्बिट रेडियस है वो हमेशा घटती जाएगी हर इमिशन के साथ में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव होने चाहिए उसकी जगह इलेक्ट्रॉन का स्पाइरल पाथ बनता है। कैसा पाथ बनेगा? स्पाइरल पाथ, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, राइट, ये मान लीजिए मैं यहां पे ऑर्बिट बता दूं और ये हमारे लिए न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो यहां से रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा उसका स्पाइरल पाथ बनेगा, क्या पाथ बनेगा? स्पाइरल। और इस तरह से फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पाइरल पाथ होते 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 क्या होगा, एट द एंड ये न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स कर जाना मतलब एटम अनस्टेबल है। क्लियर? जबकि रियल में हमें पता है कि हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट के एटम जो है वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो फेल हो गया। क्लियर? ये बात हमें पहले पॉइंट से पता चलती है। देखिए दूसरे पॉइंट में देखिए, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इमिट्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ द एक्चुअली ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रम। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, स्पाइरल मोशन यहां पर कर रहा है, राइट। तो स्पाइरल मोशन करने की वजह से क्या हो रहा है, उसके कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। क्या, किसमें चेंज आ रहा है? फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब उसमें से निकलने वाले जो रेडिएशन है उनका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस हमें देखने को मिलेगा। कैसा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा? कंटिन्यूअस। जबकि रियल में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें देखने को नहीं मिलता, हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मतलब दो स्पेक्ट्रम के बीच में गैप होती है, राइट। जैसे कि हमने अलग अलग स्पेक्ट्रम आगे चलकर हम देखेंगे, लेमन, पास्चन, बाल्मर, फ्यून, राइट, ब्रैकेट, ऐसे सारे हमको स्पेक्ट्रम सीरीज हाइड्रोजन में से देखने को मिलेंगे जो कि डिस्क्रीट ऑर्डर है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां पर यह मॉडल जो है रदरफोर्ड का वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बता रहा है जबकि रियल में डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इमिट होता है। तो ये एक्सप्लेन करने में भी रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो फेल हो जाता है। तो दिस आर द टू लिमिटेशन फॉर द रदरफोर्ड मॉडल एंड दिस आर द पॉइंट्स व्हिच विल बी गिवन बाय द रदरफोर्ड फॉर इट्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर? चलिए, थैंक यू।